चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। 34 साल बाद मिली 84 के दंगा पीड़ितों को न्याय। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब में कराई गई अरदास। पेंशनर समाज ने मनाया पेंशनर डे। समस्याओं पर हुई चर्चा। विधानसभा चुनाव में मीडिया की भूमिका रही सराहनीय। प्रेस वार्ता में बोले डीएम दिनेश चंद्र जैन। और दो प्रमुख अंडरपास का निर्माण अंतिम चरण में। जल्द मिलेगी अंडरपास की सौगात। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। दंगा भड़काने और साजिश रचने के आरोपी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने हालांकि सज्जन कुमार को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। सज्जन को 31 दिसंबर 2018 को सरेंडर करना है। उन्हें शहर न छोड़ने का निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिया है। बता दें कि इस फैसले के बाद हनुमानगढ़ टाउन के गुरुद्वारे सुखा सिंह मेहताब सिंह में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी सिखों ने इस फैसले का स्वागत किया और गुरुद्वारे में अरदास भी करवाई गई। खुशी का दिन के पिछले 34 साल बाद जो कि 1984 दे विच दिल्ली दे विच जो नंगा नाच करके हजारों की तादाद दे विच वह दरिंदा ने जो कतलेआम नरसंहार दिल्ली की सड़कों पर किया गया, उस टाइम ए लगता सी कि जिमें कि 1947 तो बाद अज जज साहब ने भी वह गल उस फैसले च लिखी है कि 1947 तो बाद यह दूसरी बार भारत देश दे विच इस तरह की घटना घटी गई कि दौड़ा दौड़ा के गलां च टायर पा पा के मिट्टी का तेल पेट्रोल का टायर पा पा के तेल पा पा के जिस तरह छोटे छोटे बच्चे नौजवान बजुर्ग उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने कतलेआम किया गया। पिछले 34 साल तो वो लड़ाई जारी सी। उस लड़ाई नू आज वो माता जगदीश कौर जो कि उस टाइम 46 साल दे सी 34 वर्ष बाद जो 1984 के दंगे जो दिल्ली की सड़कों पे एक नंगा नाच नाचा गया कि 1947 आज़ादी के बाद जो दूसरा नरसंहार इस देश में हुआ 1984 में हुआ था, जब हज़ारों की तादाद में सिखों को शरेआम सड़कों पे धड़ा धड़ा के उनके गलों में टायर डाल डाल के उन पे मिट्टी का तेल डाल डाल के उनको जला दिया गया था। उसके मुख्य दोषी सज्जन कुमार जो कि काफ़ी पिछले 34 वर्ष से इस लड़ाई से दूर था, जो बचता आ रहा था, उनको बचाने वाली इस भारत देश में अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी कहलाने वाली पार्टी ने उसको इतने लंबे टाइम से इस सज़ा से वंचित रखा। लेकिन हमारे को पूरा आस थी इस भारतीय न्यायालय पे भी, जो भारत का न्यायालय है वो अपने आप में दुनिया का सबसे उत्तम न्यायालय है और उसने आज वो सिद्ध कर दिया है। 34 वर्ष बाद उस सज्जन कुमार को उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई गई है, उस सज़ा से हमारा सारा ही समाज, सिख समाज, हिंदू समाज, अन्य समाज, उनका भी इस न्यायालय पे बहुत बड़ा विश्वास बना है। पेंशनर समाज की ओर से पेंशनर दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पेंशनर की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इसके साथ पेंशनर फेडरेशन की ओर से पेंशनरों के लिए किए जा रहे कार्यों और इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाया गया। पेंशनर समाज की ओर से मनाया गया पेंशनर दिवस। कलेक्ट्रेट स्थित पेंशनर हॉल में हुए कार्यक्रम में जिले भर से पेंशनरों ने भाग लिया और अपने विचारों को साझा किया। एक मंच पर पेंशनर इकट्ठा थे, ऐसे में समस्याओं पर चर्चा करना लाजमी था। पेंशनरों द्वारा पेंशन पर लगाए जा रहे इनकम टैक्स का विरोध करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में पेंशन को कर्मचारियों का मूलभूत अधिकार बताया था, न कि कोई खैरात। कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की कटौती भी उनकी पे से पहले ही की जाती है, इसलिए पेंशनरों ने इनकम टैक्स कटौती का विरोध करते हुए इसे बंद करने की मांग की। उसमें मांग की गई है कि जो न्यूनतम
जो पद का वेतन होता है उसकी आधी जो पेंशन होती है, जो पुराने पेंशनर हैं उनको पेंशन बहुत कम मिलती है क्योंकि वेतनमान बहुत कम थे, अब वेतनमान बढ़ चुके हैं, तो आज का जो वेतनमान है उसकी आधी पेंशन के बराबर जो है पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इस तरह का भी हमारी मांग जो है की गई है। एक पूरे देश के अंदर एक पेंशन नीति बनाने की मांग है, जिस तरह से हम कहते थे दिल्ली हो या राजस्थान वेतनमान भत्ते एक समान, उसी तरह से पेंशन भी एक समान, जो केंद्र में पेंशन मिलती है वही पेंशन हमारे राज्यों में भी मिलनी चाहिए। धार्मिक यात्रा एवं पर्यटन के लिए पेंशनर को एक माह का अतिरिक्त वेतन भी मांगा गया है, तो जिस तरह से अपने को बोनस मिलता है कर्मचारियों को, इस तरह से पेंशनर को भी एक माह का अतिरिक्त पेंशन जो है वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा पेंशनरों के पेंडिंग बिलों का समय पर भुगतान करने की मांग की गई। वरिष्ठ नागरिकों का कहना था कि उनकी दवाइयों आदि के बिलों का भुगतान समय पर नहीं होता, ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानियां होती हैं। दिसंबर का जो प्रोग्राम होता है ये हम हर साल मनाते हैं, ये 1982 से चालू किया है क्योंकि 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि पेंशन जो है ये सरकार की ओर से कोई खराइत नहीं है बल्कि उसका मूलभूत अधिकार है। जो सेवा में रहते हुए वो अपना समय देता है, उसके पैसे कटवाता है, वो उसका वापसी दिया जाता है। और अब जो हमारी मांग है एक सबसे बड़ी वो ये है कि भाई सब जो हमें पेंशन मिलती है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि जो वो पैसा हमारे से पहले से ही लिया हुआ है उसी को वापस सरकार देती है। एक तो ये मांग है, इसमें मतलब हमारी फेडरेशन ने भी उठाई है और इसको हम मनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि 2004 के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो कटौती होती थी उनकी पे से, वो कटौती बंद हो चुकी है। सरकार ने उनकी पेंशन 2004 के बाद जो लगे हैं उनको पेंशन नहीं देने की बात कही, तो इसलिए उनका पैसा भी नहीं कटता। उसके कारण पैसा जो है ना जो बीमारियों के लिए पेंशनर्स को मिलता था वो कम आ रहा है। उसके लिए हमारा सरकार से मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी मतलब हमारी प्रांतिकारण ने अनुरोध किया है वो पैसा रिस्टोर होना चाहिए और हमारे बिल पेंडिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल जो दवाइयाँ हैं उपभोक्ता भंडार पे वो दवाइयाँ देते नहीं क्योंकि उनको भुगतान नहीं हो रहा दवाइयों का और वो भुगतान ना होने के कारण दवाइयाँ कम रखते हैं, इसलिए पेंशनर्स को कठिनाई हो रही है, वो हमें मिलना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर जंक्शन सहित जंक्शन के बाद टाउन में भी पेंशनर डे मनाया गया। पेंशनर समाज के द्वारा टाउन में वार्षिक सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन करवाया गया जहां 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हर पेंशनर का सम्मान किया गया। बता दें कि अंग्रेजों के बाद हाई कोर्ट के फैसले से पेंशन की नीति शुरू हुई थी जिसमें सेवा पूरी कर चुके लोगों को कर चुके कार्यों के बदले उन्हें पेंशन देने की घोषणा की गई। तभी से 17 दिसंबर को पेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। हर वो व्यक्ति जो सरकारी नौकरी से सेवा पूरी कर चुका है वो इस दिन को बड़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और पेंशनर डे के नाम से मनाया जाता है। और इसी कड़ी में टाउन में भी पेंशनर समाज के द्वारा टाउन में वार्षिक सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन करवाया गया जिसमें 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हारमोनियम पर भी गीत गाकर माहौल को जिंदा रखने की कोशिश की गई। आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आज जो है वो पेंशनर दिवस है और हमारे यहाँ उपशाखा के अंदर जो है पेंशनरों को सम्मानित किया जा रहा है। लगभग 30 पेंशनर जो है वो जिन्होंने 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है आज वो सम्मानित होंगे। इनमें श्री हनीफ मोहम्मद जी हैं और अविनाश जी हैं और इसके अलावा जो भी 75 साल के हैं उन सभी को जो है वो आज सम्मानित किया जा रहा है। श्री ओम प्रकाश जी महेश्वरी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल जो है वो लंबे समय से चल रहा है, उनके कार्यकाल के अंतर्गत जो है वो अधिकारिक सदस्य जो है वो जोड़े जा रहे हैं और लगभग आज 100 के करीब पेंशनर जो है इस पेंशनर हॉल में इकट्ठे हुए हैं। ये है, अंग्रेजों के टाइम में पेंशन व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद क्या है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 17 दिसंबर को,
17 दिसंबर को डिसीजन देने के बाद उन्होंने कहा ये इनका कार्य जो इन्होंने किया है उसके विवाद में इनको पेंशन देना दे है, तो 17 दिसंबर से पूरे देश में 17 दिसंबर से पेंशन देना शुरू हुआ और उसी दिन से ये पेंशन दिवस पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। अब इसका 17 दिसंबर को यहाँ हर महीने हर साल यहाँ फंक्शन किया जाता है और प्रत्येक जितने भी 75 साल के पेंशनर होते हैं उनको हम यहाँ सम्मान करते हैं और एक यहाँ भोज का कार्यक्रम भी रखा जाता है। विधानसभा चुनाव में मीडिया की भूमिका सराहनीय रही है, ये कहना है जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन का। डीएम ने प्रेस वार्ता के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया को अच्छी कवरेज के लिए साधुवाद का पात्र बताया। विधानसभा चुनाव 2018 निष्पक्ष और शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया का सहयोग सराहनीय रहा है। डीएम ने प्रेस वार्ता कर अच्छी कवरेज के लिए मीडिया के सहयोग के लिए साधुवाद का पात्र बताया। डीएम ने कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में कहीं कोई जनाक्रोश जैसी घटना नहीं हुई, मतदाताओं को जागरूक करने में भी मीडिया का सहयोग रहा है। काफी अच्छा कवरेज अपने इलेक्शन का था, तो हम तो आपके धन्यवाद के पात्र हैं, आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं कि उससे बढ़िया हमारा सब काम जो है बहुत अच्छी तरह से संपादित हुआ। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई इलेक्शन में जिससे कि कोई जनाक्रोश हो या यूँ माने कि अपन कोई इलेक्शन के डे पे कोई इस तरह का कोई घटनाक्रम हो, ऐसी कोई बात नहीं। डीएम ने बताया कि इसके साथ ही 26 दिसंबर से इलेक्टोरल रूल का रिवीजन शुरू हो जाएगा, यानी लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। इसके लिए 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में किसी कारणवश कट गए हैं उन्हें जोड़ने का काम भी किया जाएगा। और इसके बाद जो है वो अगले चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई। 26 तारीख से वापस से इलेक्टोरल रोल का रिवीजन जो है वो किया जा रहा है, मतलब 26 जो 1 जनवरी 2019 को 18 साल जिनकी आयु हो जाएगी, मतलब 31 तारीख को जो 18 साल की आयु पूर्ण कर लेंगे उन लोगों के नाम जो है उन मतदाता सूची में जोड़ेंगे। हनुमानगढ़ आरओबी के नीचे चल रहा आईओबी निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। सोमवार को 5.5 घंटे के रेलवे ब्लॉक के बाद आईओबी निर्माण को लेकर रेलवे ट्रैक हटाने का काम किया गया। आरओबी के नीचे व खालसा स्कूल के पास अंडरपास को लेकर रेलवे ट्रक काट कर बक्से लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। हनुमानगढ़ ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जनवरी माह तक अंडरपास बनकर तैयार हो जाएगा और ट्रैफिक में फंसने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। इसके अलावा ओवरब्रिज पर बढ़ने वाला ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। सोमवार को निर्माण कार्य को लेकर रेलवे ब्लॉक लिया गया था, जिसके तहत आरयूबी के नीचे अंडरपास पर 3 रेलवे ट्रैक काटकर 14 बक्से व अगले अंडरपास पर 2 ट्रैक काटकर 13 बक्से लगाने का काम पूरा किया गया, यानी अंडरपास निर्माण की जटिल प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए सोमवार को 2 ट्रेनें रद्द की गई थी और 5 को डिटेन किया गया था। सोमवार को हनुमानगढ़ फिरोजपुर और हनुमानगढ़ भटिंडा पैसेंजर का संचालन भी बंद रहा। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCom, ABST, MA ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा
सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। एनएपीजी कॉलेज में सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत मल्हार 2018 का आयोजन करवाया गया, जिसमें पहले चरण निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई गई और उसके बाद कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इसमें देश प्रेम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवाओं में बढ़ते नशे और दिन ब दिन बढ़ रहे असामाजिक तत्वों पर कटाक्ष करते हुए मन को झकझोर कर देने वाली प्रस्तुतियां पेश की गई। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। इतिहास के स्वर्णपृष्ठों पर अशफाक नाम नजर आता, तब बिस्मिल हंसकर बोला, तू क्यों दिल को छोटा करता है। तब बिस्मिल हंसकर बोला, क्यों दिल को छोटा करता है। मरता है केवल मृत मन, समृत भला कम मरता है। राष्ट्र रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता और मां की ममता से बढ़कर मरण नहीं हो सकता। राष्ट्रहित ही बलिदान हुए ना तेरा कभी रण होगा, अमर शहीद कहलाएगा ना तेरा कभी मरण होगा। समर भूमि में सिंहों का हौसला कभी पस्त नहीं होता और कितनी भी दम की छाया हो दिनकर अस्त नहीं होता, दिनकर अस्त नहीं होता। पर आज मैं शानी बात करना है ढूंढ तो अब शुरू करता हूँ। मैं एक नए अंदाज के मुक्तक है, एक मुक्तक शुरू करता हूँ और अपनी कविता तक पहुँचता हूँ। अपनी जिंदगी भी एक अनूठा उपन्यास है, जिसमें अपना होना अनायास है। प्यास का ये सफर बड़ी दूर का है, मगर घर तो नदी के बहुत पास है। वाह, मुझे एक गीत पढ़ना है, उसकी भूमिका में मैं बोल देता हूँ आपको कि ये युवा पीढ़ी के हताश और निराश भावों पर है, जब घर वाले जबरदस्ती कोई जबरदस्ती सौंप कर वो चला चित्त घर की दिशा, शेष जाने किधर चला चित्त घर की दिशा, शेष जाने किधर। पहला बन सुनिएगा। एक पराजय यदि आयु भर साथ है, एक पराजय यदि आयु भर साथ है, हर घड़ी हर्ष ये ना निभा पाएगा। अपना जीवन है मंचन के जैसा, अगर तो जीने का अभिनय नहीं आएगा। जब स्वयं का ही अधिकार करना सके, सांस सीमित हुए प्राण विन्यास पर। सारा थाने एक कहानी सुनाऊं, क्यों मरे एक बाप फांसी खा के, आज मैं बताऊं। क्यों ना जम में कल्पना बरगी, क्यों ना जम में झांसी की रानी, क्यों ऐसी बेटियां जमन लागी जो जीते जी बाप ने जेल दिखारी। क्यों ना जम में कल्पना बरगी, क्यों ना जम में झांसी की रानी, क्यों ऐसी बेटियां जमन लागी जो जीते जी बाप ने जेल दिखारी। एक बाप के आंगन में जब बेटी जमे, उसकी रोग की खुशी न रहती रहे, था था लाडू बांटे वो, था था लाडू बांटे वो बाप। माँ भी सारी अना लाडो लाडो कहती है, उसका अच्छा गुणारा पूरा गुणारा नाम रख है, उसका अच्छा गुणारा नाम रख है, पूरी रीत भुगावे, मन मांगा दान देवे, लाडो की नजर उतारे। सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको हमने मल्हार 2018 के नाम से रखा है। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर बीएन पारिक के द्वारा ये प्रथम बार पहल हुई है। इसमें सबसे पहले आज निबंध प्रतियोगिता, जिसका विषय था नशा वृत्ति युवाओं में एवं भारतीय विकास में बाधा, विषय पर 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बड़े अच्छे मनोयोग के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसी क्रम में आज द्वितीय चरण में कविता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशावृत्ति, युवाओं में बढ़ती आचरण के प्रति विसंगतियों के रूप में महाविद्यालय के कवियों ने सुंदर कटाक्ष और जग जोड़ने वाले, दिल को छू जाने वाले अंश रखे, जिससे काफ़ी बच्चों को प्रेरणा मिली। यह आयोजन इसलिए करवाया जा रहा है कि महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य के साथ साथ शैक्षणिक कार्यक्रम रहे, ताकि विद्यार्थियों में ज्यादा से ज्यादा रुचि बढ़े। विशेष जिला
विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बीएम गर्ल्स कॉलेज और बीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधिक साक्षरता दिवस का आयोजन करवाया गया, जिसमें हर एक व्यक्ति को मिलने वाले उसके अधिकारों और खासतौर से अनुसूचित जाति और जनजाति और आदिवासियों को मिलने वाले उनके अधिकारों पर विचार व्यक्त किए गए। इसमें कॉलेज के छात्राओं से लेकर अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। हमारे देश के संविधान को सरल और लचीला संविधान कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान को हम बदल सकते हैं। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, लेकिन आज के दौर में भी कई लोगों ने ना ही तो अपने मौलिक कर्तव्यों का पता है और अपने अपने अधिकारों के बारे में जानकारी। इन्हीं अधिकारों और उसके द्वारा बनाए गए कानून पर चर्चा करने के लिए टाउन के वीएम गर्ल्स कॉलेज और वीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। इससे जब हमें मतलब कुछ जानकारी है संविधान के बारे में, पर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। आज के समाज में बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं, बहुत से जैसे भ्रष्टाचार और उसके अलावा सांप्रदायिकता, जातिवाद और किसी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव, शोषण होता है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनके पास क्या अधिकार है। जो विकासशील देश है उनमें ये समस्या है, लेकिन विकसित देशों में भी ये समस्या हमें देखने को मिली है। अमेरिका जैसे देशों में भी हमने देखा है कि बच्चे मतलब छोटी उम्र में भी, जब उनके खेलने की उम्र है उस उम्र में भी काम कर रहे हैं। इसका कारण भी देखा गया तो मेनली ये बताया गया है कि गरीबी इसका कारण है, लेकिन मैं खुद नहीं मानती कि गरीबी इसका कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे जो देश है उसमें लगभग आबादी है वो युवा है, लगभग 70% या 75% आबादी युवा है। तो वो युवा काम कर सकते हैं, तो फिर बच्चों को क्या जरूरत है उस उम्र में काम करने की, 14 से कम उम्र में काम करने की। मंडल कन्या गर्ल्स कॉलेज के अंदर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिस शिविर किया गया है जिसके अंतर्गत आज अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों, कर्तव्यों और उनके लिए बनाई गई सरकार की योजनाओं तथा आपदा के संबंध में, क्योंकि आजकल आपदाएं न केवल प्राकृतिक रूप से आ रही है बल्कि मानवीय आपदाएं भी आ रही है, उन आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को इस आज की जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत लाभ पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि आमजन इन स्कीमों से जुड़कर पीड़ितों को न्याय पहुंचाने में हमारी सहायता प्रदान कर सके। मैं धन्यवाद करता हूं शाला प्रशासन का, मैं धन्यवाद करता हूं कॉलेज प्रशासन का। आज हमारे महाविद्यालय में विधिक साक्षरता कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि विधिक यानी कि कानून की जो विषय होता है उसको आम जन से परिचित कराया जाए, ताकि आम जन कानून के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और उन कर्तव्यों के माध्यम से ही जो अधिकारों की मंजिल है उसे प्राप्त करें, और छात्राओं को इस विषय में जानकारी देकर और छात्राएं खुद भी इस विषय में बोलकर महाविद्यालय की तरफ से यह बता रही है कि वे जागरूक हैं। और मैं साधुवाद। पेयजल पाइपलाइन टूटने से परेशान भट्टा कॉलोनी के नागरिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। उपसभापति नगीना बाई के नेतृत्व में डीएम से मिले नागरिकों ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन दुरुस्त करवाने सहित मुआवजे की भी मांग की है। पेयजल पाइपलाइन टूटने से परेशान नागरिकों ने अब कलेक्टर से गुहार लगाई है। पाइपलाइन टूटने से हुए नुकसान का मुआवजा देने सहित नई पाइपलाइन बिछाने की मांग की गई है। उपसभापति नगीना बाई ने बताया कि डीएम ने मंगलवार को पाइपलाइन दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा उन्होंने मुआवजे को लेकर भी सर्वे करवाए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि भट्टा कॉलोनी के वार्ड 11 में पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने से घरों की नींव में पानी चला गया, जिससे कुछ मकानों में दरारें आने के साथ साथ मकान के कई हिस्से गिरने की कागार पर हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं और प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 11 से सभी वहाँ के नागरिक हम इकट्ठे होकर के आज कलेक्टर साहब के पास आए, इनको ज्ञापन दिया है, जो कि कई दिनों से पाइप लाइन जो पानी वाली वो फट गई है और कई घरों का नुकसान हो गया है। तो आज हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि एक तो पाइप लाइन है जो नहीं बिछनी चाहिए, जो कि बाद में नुकसान ना हो, और एक जिनका मकानों का नुकसान हुआ है
उनके मुआवजे के लिए हमने मांग की है। तो कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है भाई पीएचडी में बात करके ये कहा है भाई पैंपलेट जो है वो तो कल से ही चालू हो जाएगी नहीं डलनी और उसके बाद में जैसे मुआवजे की बात है वो भी होगी। और पेंशनर डे के अवसर पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टीम भी पहुंची और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत करवाया गया। हनुमानगढ़ ब्रांच मैनेजर ने बताया कि वरिष्ठ जनों को फिक्स डिपॉजिट पर 9% ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक की ओर से ATM चेकबुक आदि पर चार्ज नहीं लिया जाता। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से है। यहाँ पे जुलाई 2018 को हमारी ब्रांच का उद्घाटन हुआ था। तो जो पेंशन मतलब बेसिकली वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए हम एक तो सबसे पहले जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर सबसे ज़्यादा उच्च ब्याज दर दे रहे हैं 9.10% दे रहे हैं 799 दिन की अवधि की फिक्स डिपॉजिट पे। दूसरा हमारे जो अकाउंट्स हैं उनमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है, मतलब कोई नॉन बैलेंस मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं, कोई ATM का चार्ज नहीं, कोई चेकबुक का चार्ज नहीं है। दूसरा FD जो वो कराते हैं 6 महीने अगर वो FD हमारे साथ चलाते हैं तो उसके बाद कोई प्रीमैच्योर क्लोजर चार्जेस भी नहीं है, मतलब जो अदर बैंक लेता है 1% काटता है जब भी आप तुड़वाते हैं। तो 6 महीने बाद अगर वो FD तुड़वाते भी हैं तो हम लोग कोई चार्ज नहीं ले रहे। तीसरी चीज़ डोरस्टेप बैंकिंग, मतलब घर बैठे खाता खोलना, घर बैठे हर सुविधा देना, ये चीज़ हम हर मतलब भले वो वरिष्ठ नागरिक है भले आम नागरिक है सबको हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ आज एनुअल पेंशनर डे पे हम लोग को मौका दिया गया कि हम लोग अपनी बात रखें यहाँ पे, तो उसके लिए हम पेंशनर समाज का धन्यवाद देना चाहेंगे आज के लिए। और खबर लोहर से है। लोहर के नजदीक गांव जसाना में 2 लड़के सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन जब तक पवन व्यास हत्याकांड के आरोपी को नहीं पकड़ेंगे तब तक वो टंकी से नहीं उतरेंगे। उनको समझाने के लिए श्री आई ईश्वर सिंह, तहसीलदार जय सिंह कौशिक, माकपा नेता मंगे चौधरी को उनको समझाइश करके नीचे उतारा, जिसके बाद अब जसाना पवन व्यास हत्याकांड की जांच SOG करेगी। SOG जोधपुर के एडिशन ASP रामदेव जलवानिया जांच करेंगे। 21 दिसंबर को ASP जलवानिया अपनी टीम के साथ जसाना पहुंचेंगे और जांच का काम। बता दिया फिर थे हौले किसी और बता दिए ये जो 13 तारीख गई है ना 13 तारीख को आदेश हो गए SOG के। SOG का रामदेव सिंह जलवानिया एडिशनल SP है वो जांच करेंगे इस मुकदमे की। तू सुन लिया साहब और जोधपुर से आएंगे रामदेव सिंह जलवानिया वो जांच करेंगे। 20 तारीख को आपके गांव में आ जाएंगे, उनसे बात हो गई 20 तारीख को अपने गांव में जांच के लिए आ जाएंगे वो। ठीक है ना, सुन ली नहीं भाई? देखो मारे हाथ में जाँच को नहीं, मैं उनसे बात करी वह कह रहे मार्गन फाइल आ गई 20 तारीख को मैं जसाना गाँव में आ जाऊँगा। थे उनकी कॉपी गांव में नहीं थी और इसकी मांग को लेकर के और SOG के अधिकारी के बारे में गांव वालों ने इकट्ठे होकर के और युवा साथियों ने टंकी पर चढ़ करके पवन व्यास हत्याकांड हुआ था उसके हत्यारे को निकालने के लिए आज टंकी पर चढ़े और उनकी मांग के लिए गांव वाले एकजुट होकर तो प्रशासन की कमी के कारण क्योंकि पूरे गाँव जसाणा गाँव ने चुनाव नहीं हुआ था इन्होंने बहिष्कार किया था और बहिष्कार करने के बावजूद भी SOG की टीम थी वो नहीं आई तो गांव वालों में आक्रोश था। इसी आक्रोश को लेकर के गांव वाले और युवा टंकी पर चढ़े। जयपुर से आए सतगुरु स्वामी भगत सिंह के हनुमानगढ़ आगमन पर सिंधी समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। टाउन स्थित झूलेलाल मंदिर में सिंधी समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। Go to
तो बुलेटिन में आज के लिए इतना ही कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।